Now we are coming towards learning theories and learning styles. These theories and styles have been uh, given by many authors and many researchers. One of them was Howard Gardner's theory of multiple intelligence. This is a very interesting theory because Howard says that we all are intelligent. Because before that, people thought that some people, some uh, kids are intelligent and some are not. बट हाउट सेज यस वी ऑल आर इंटेलिजेंट बट वी आर डिफरेंटली इंटेलिजेंट तो वो ये कहते हैं कि इस तरह की आठ या नौ इंटेलिजेंसेस हैं जिसमें हम मुख्तलफ तरह से जहीन हैं मसला उनका ख्याल है कि कुछ लोग जो हैं वो विजुअली स्मार्ट हैं यानी वह चीज़ों को देख के फ़ौर ग्रेस्प कर लेते हैं कि फिलहाल चीज़ जो है वो कितनी बड़ी है रास्ता किस तरफ जाता है उनको डायरेक्शन का डायमेंशन का पता होता है कुछ जो है वो लॉजिकली स्मार्ट हैं उनका ख्याल है कि वो रीजनिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर इसका नतीजा ये हो सकता है कुछ जो है वो वर्बली स्मार्ट हैं वो गुफ्तगु बड़ी अच्छी कर सकते हैं वो अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा कर सकते हैं उनकी जबान में रवानी है कुछ जो है वो न्यूमेरिकली स्मार्ट हैं यानी वो डिजिट्स और नंबर्स को बड़ी जल्दी जो है वो उनको समझ लेते हैं और फिर उनको परफॉर्म कर लेते हैं उनके ऑपरेशंस जो है वो उनके लिए आसान हैं जैसे कितने में से कितने निकालें तो क्या बनता है वो फौरन उसका जवाब जो है वो दे सकते हैं फिर कुछ नेचुरली स्मार्ट हैं उनका ख्याल है कि कुछ लोग नेचर को बड़ा पसंद करते हैं तो फिर वो उसके अंदर डूब के उसके हकायक को समझने की कोशिश करते हैं और फिर यह कि उसका इधराक उनको बड़ा अच्छा हो जाता है जैसे हेलन कैलन का हमने वाक्य सुना था कि वो देखें वो अंधी भी थी बहरी भी थी गूँगी भी थी लेकिन वो ये कहती थी कि मैं परिंदों की आवाज़ें सुन के महसूस कर सकती हूँ कि वो खुश हैं या उदास हैं और ये कि जिस दरख्त पे वो बैठे हैं उस दरख्त को हाथ लगा के उसकी थरथराहट से मैं महसूस कर सकती हूँ कि इसकी शाख पे बैठे परिंदों की वजह से दरख्त खुश है या उदास है तो ये भी एक सलाहियत है फिर वो कहते हैं कुछ लोग पिक्चर स्मार्ट हैं जैसे वो वीडियोज को पिक्चर्स को देखते हैं तो उनके यानी दूसरे लफ्जों में उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त है वो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को फिर कुछ बॉडीली स्मार्ट हैं यानी वो लोग जो आपने देखा होगा कुछ डांसर्स हैं या कुछ जो एक्टर्स होते हैं वो बड़ी ख़ूबसूरती से अपने जिसमानी अज़ा को हरकत दे लेते हैं तो वो बॉडीली स्मार्ट हैं और कुछ म्यूज़िक स्मार्ट हैं जैसे मैं और आप शायद अच्छा ना गा सकते हो लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छा गा सकते हैं अच्छी तलावत कर सकते हैं अच्छी नात पढ़ सकते हैं अच्छे राममिंग वर्ड्स को बड़ा अच्छा तरतीब दे लेते हैं तो बच्चे मख्तल तरह से जहीन होते हैं और इसकी वजह से वो मख्तल तरह से सीखते हैं क्योंकि हम लर्निंग स्टाइल्स पे बात कर रहे थे तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं वर्बली स्मार्ट हूं तो मुझे गुफ्तू की ज्यादा समझ आएगी और अगर मैं न्यूमेरिकली स्मार्ट हूं तो मुझे अच्छे नंबर से समझने में आसानी होगी इसके अलावा जो अगली थेरी है वो, वो हमारी फ्लैमिंग वॉक की थेरी है वॉक ये कहते हैं कि जी जो लर्नर्स हैं वो मुख्तलिफ तरह से सीखते हैं जैसे अभी बात हुई कुछ आपके विजुअल हैं जो तस्वीर से वीडियो से और नहीं तो ओरिजिनल चीज़ देख के ज़्यादा अच्छा सीखते हैं कुछ लोग ऑडियो से यानी आपकी साउंड जो भी आप बता रहे हैं बात बता रहे हैं हो सकता है वो तस्वीर उनके सामने पड़ी रहे लेकिन उसको वो ना समझ सकें लेकिन अगर आप साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं बता रहे हैं तो वो आपकी आवाज़ को ज़्यादा अच्छा से महसूस करते हैं और तब ज़्यादा सीखते हैं कुछ लोग जो हैं वो रीड और राइट कर सकते हैं मतलब वो आवाज़ों में दिलचस्पी नहीं रखते लेकिन वो अच्छा लिख सकते हैं और लिख के अपने जज्बात का अपने ख्याल का इजहार बेहतर कर सकते हैं और जैसा हॉवर्ड ने मैंशन किया था कनस्थेटिकली कुछ लोग हरकत व शक्नात से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं मतलब बजाय इसके कि आप उनको वर्ड बोलें कि आप जी स्पोर्ट्स क्या होते हैं या जो है वो जंपिंग क्या होता है तो वो जंप करके देखने में ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे ना कि सिर्फ़ उसकी पिक्चर्स को देख के या जंपिंग की एक्सप्लेनेशन को सुन के तो इस सब का मतलब ये है कि अगर हम ई के बच्चों को जांच लें कि उनके लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो क्या हैं कैसे मुख्तलिफ हैं कौन कौन से बच्चे किस तरह सीखने में ज़्यादा सहूलत महसूस करते हैं तो हमारे जो इब्तदाई तलीम के इस हैं वो उसी तरह की इनपुट उनको दे सकते हैं कुछ को पिक्चर्स के ज़रिए कुछ को बोल के कुछ के साथ खेल के कुछ को कुछ इमेजिन करके बता के वो बेहतर तरीके से उनको सिखा सकते हैं और आज का दौर जो है वो इंडिविजुअल अटेंशन का ही दौर है आप इंडिविजुअली अपने बच्चों को जितना समझ के उनके साथ उनको इनपुट देंगे उतनी ही बेहतर उनकी सलाहियतों का इजहार होगा